भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के कई उदाहरण दिए जाते हैं। इन दोनों को सच्चा मित्र माना जाता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि जब इनकी मित्रता समाप्त हो सकती थी। क्यों राम और सुग्रीव मित्र की जगह शत्रु बन सकते थे, इससे जुड़ी रोचक कहानी के बारे में आज हम आपको राम राज्य के अपने इस एपिसोड में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का राम राज्य के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, रामायण में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तो उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में निकले, और माता सीता को खोजने के दौरान उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से, और हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात करवाते हैं सुग्रीव से। जिस समय सुग्रीव की मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से हुई थी, उस समय उनके बड़े भाई यानी कि सुग्रीव के बड़े भाई ने उनको राज्य से निकाला हुआ था, और सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने अपने पास रख लिया था। इसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव को ये भरोसा दिलाया कि वो उसके राजपाट को वापस दिलाएंगे। इसके बदले में सुग्रीव ने कहा कि वो भी माता सीता को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और अपनी सेना का भी उपयोग करेगा। इसके बाद भगवान राम ने बाली को मार दिया और किष्किंधा का राजा सुग्रीव बन गया। सुग्रीव को बरसों के बाद अपना राजपाट और अपनी पत्नी वापस मिली थी, और इसके बाद वो भोग विलास में लिप्त हो गया। वो अपने राज्य में भोग विलास का आनंद लेने लगा। वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत की गुफा में उन दिनों निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु भी निकल गई, आसमान साफ हो गया। श्री राम को अब भी इंतजार था अपने मित्र सुग्रीव का। सुग्रीव को यह याद ही नहीं रहा कि उसने भगवान राम से कोई वादा किया था। उसने वादा किया था कि वो माता सीता को खोजने में अपनी पूरी सेना का इस्तेमाल करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि भगवान राम को सीता मिल जाए। जब सुग्रीव का इंतजार करते करते श्री राम को कई दिन बीत गए, तो उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया, और तब उनको एहसास हुआ यानी कि सुग्रीव को एहसास हुआ कि वो भोग विलास में कितने लिप्त हो गए हैं और उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। सुग्रीव को अपने वचन याद आए, और अपने वचनों को याद करते ही उनको शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। भगवान राम ने सुग्रीव को माफ़ किया और अपने दोस्त को गले से लगा दिया। इसके बाद सुग्रीव के साथ मिलकर भगवान राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। तो दोस्तों, ये कहानी हमको सीख देती है कि अगर हम किसी को भरोसा दिलाते हैं, किसी से वादा करते हैं, और अगर हम उसे सही समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारी ही गलती है और हमारी ही कमी है। हमको कभी भी कोई वादा करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि राम राज्य की आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। राम राज्य की एक और अन्य कहानी के साथ, शिक्षाप्रद कहानी के साथ, फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।